क्लास टुडे वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज नंबर 2B. यू हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज नंबर 2A व्हिच वाज बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ एक्सरसाइज नंबर 2B इज ऑल अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस किया है 2A में, 2B में, उसी पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग डील करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है ताकि आप ये समझ सकें कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपसे क्या चीज़ रिक्वायर है जो आपको फाइंड आउट करनी है. अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए वर्किंग और उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2,89,56,023. डिफरेंस दे रखा है दो नंबर्स का. डिफरेंस मतलब होता है जब दो नंबर्स को हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस कहते हैं. तो दो नंबर्स थे हमारे पास, दोनों को माइनस किया तो हमें ये रिजल्ट मिला है. ठीक है, आगे बोला है द स्मॉलर नंबर इज 67,980. जो उसमें से दो नंबर में से एक छोटा वाला नंबर था, स्मॉलर नंबर था, दैट इज 67,980. फाइंड द लार्जर नंबर. आपको बड़ा नंबर लेना है, पता करना है. बड़ा नंबर था और ये छोटा नंबर, इन दोनों को जब माइनस किया तो हमें ये मिला. तो उन्होंने आंसर दे दिया है, आपको क्वेश्चन निकालना है लार्जर नंबर. तो हम क्या करेंगे, उल्टे स्टेप चलेंगे. हमने जब माइनस किया दो नंबर्स को तो हमें रिजल्ट मिला. तो अगर हमें नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को और नंबर को दोनों को प्लस कर देंगे, ऑपोजिट चलेंगे. माइनस करके ये आ रहा था तो प्लस करके हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उससे हमें लार्जर नंबर मिल जाएगा. नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द स्टेटमेंट्स इन वर्ड प्रॉब्लम्स. वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टेटमेंट्स. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज गिवन, सो यू राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट एज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2,89,56,023. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्मॉलर नंबर इज 67,980, सो यू राइट द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 67,980. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जर नंबर. मैंने क्या बताया, डिफरेंस को और स्मॉलर नंबर को प्लस कर देंगे तो हमें लार्जर नंबर मिलेगा. देन वी राइट दैट डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू लार्जर नंबर. डिफरेंस के नीचे डिफरेंस की वैल्यू, स्मॉलर नंबर के नीचे स्मॉलर नंबर की वैल्यू, और यहाँ पे हमने वर्किंग शो करी है. क्वेश्चन लिखते टाइम आप बहुत ध्यान रखेंगे, माइनस करते टाइम या प्लस करते टाइम, हमेशा आप लिखेंगे राइट टू लेफ्ट. क्योंकि अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सपोज आपने 6 यहाँ से स्टार्ट किया होता, 6, 7, 9, 8, 0, तो यहाँ पे नंबर्स खाली रह जाते, वो रॉन्ग होता है. सही तरीका हमेशा यही होता है कि हम बैक साइड से बैकवर्ड्स लिखना शुरू करते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हैं, उससे हमारा आंसर एकदम सही आता है. 3 के नीचे 0 लिखेंगे, 2 के नीचे 8 लिखेंगे, 0 के नीचे 9, 6 के नीचे 7, 5 के नीचे 6, और बाकी के नंबर्स को क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट्स नहीं है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे. नाउ वी हैव टू ऐड देम. 3 + 0 = 3, 8 + 2 = 0, 10, 0 carry 1, 9 + 1 = 10, 0 carry 1, 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 14, 4 carry 1. जब भी दो डिजिट का नंबर आता है, एक रिवीजन दे देती हूँ, आपको याद होगा जब दो डिजिट का नंबर होता है तो हमेशा हम सिर्फ उसकी राइट वाली डिजिट लिखते हैं और लेफ्ट वाली डिजिट को कैरी कर देते हैं. 5 + 1 = 6, 6 + 6 = 12, 2 carry 1, 9 + 1 = 10, 0 carry 1, 8 + 1 = 9, और 2 के पास कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा. सो यू हैव गॉट दिस आंसर. नाउ आंसर लिखते टाइम हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आंसर लिखना होता है हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में. सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द लार्जर नंबर. तो आंसर क्या होगा आपका, द लार्जर नंबर इज 2,90,24,003. अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 78,90,34,781. तीन नंबर्स थे, तीनों को जब हमने ऐड किया, सम मतलब ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें ये नंबर मिल रहा है. इफ टू ऑफ दीज नंबर्स आर 18,90,675
एंड 45,60,82,345। ये तीन नंबर से हमें ये रिजल्ट मिल रहा था, उसमें से एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर ये है। फाइंड द थर्ड नंबर, आपको तीसरा नंबर निकालना है। तो उसके लिए पहले जो दो नंबर्स दे रखे हैं हमें, उनको हम ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम मेन जो आंसर था उसमें से माइनस करेंगे, तो हमें हमारा थर्ड नंबर मिल जाएगा। आई हैव सॉल्वड इट। लुक हियर, सम दे रखा है 78,90,34,781। फर्स्ट नंबर दिया है, सेकेंड नंबर दिया है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली जैसे कि मैंने बताया आपको। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा हम स्टेटमेंट्स पहले लिखते हैं, फिर आपको थर्ड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, जो तीनों को प्लस करने के बाद रिजल्ट आया था वो उसमें से फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे। तो सम माइनस, ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि पहले हमें नंबर्स को ऐड करना है और फिर उसके बाद माइनस करना है, पहले डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हमने नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखे हैं, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया रफ कॉलम हमेशा बनाते हैं मैथ्स में, जहाँ भी रफ वर्किंग रिक्वायर्ड होती है आप रफ कॉलम ज़रूर बनाएंगे। आप चाहे तो पूरा ऊपर से लेके यहाँ से जब आपका पेज स्टार्ट होता है तब आप यहाँ से ऐसे पूरा बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यहाँ पे बनाया। ऊपर हेडिंग ज़रूर डालेंगे रफ वर्क। यहाँ पे मैंने जो दो नंबर्स दिए थे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, उनको ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमें मिला है 45,79,73,020। तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं इसको किस में से माइनस करना है, जो तीनों को प्लस करने के बाद रिजल्ट आया था उसमें से हमने इसको माइनस किया। इसकी भी वर्किंग यहाँ दिखाई है मैंने, तो उसमें आपको मिला है 33,10,61,761। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब आंसर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, द थर्ड नंबर इज 33,10,61,761। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थ्री भी करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है हाउ मच इज 6,50,97,123 लेस देन द स्मॉलेस्ट 9-डिजिट नंबर। ये एक नंबर है, अगर हम स्मॉलेस्ट 9-डिजिट नंबर से इसको माइनस करते हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस है ये पूछा है। तो उसके लिए पहले स्मॉलेस्ट 9-डिजिट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 9-डिजिट नंबर कैसे शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाते हैं, 1 होती है स्मॉलेस्ट डिजिट, 0 से नहीं शुरू कर सकते क्योंकि 0 तो कोई डिजिट होती नहीं है, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया आपका एक डिजिट, उसके बाद कितने बचे, अब 8 बचने हैं, तो 8 जीरोज लगा देंगे, मतलब 1 और 8 जीरोज, तो ये बन गया आपका 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब उस नंबर को इसमें से माइनस करना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर। आपको इस नंबर में क्या ऐड करना है कि आपको आंसर जो आए वो लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर आए। तो उसके लिए पहले आप लिखेंगे लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर 9 से शुरू होगा और 9 टाइम्स रिपीट कर देंगे, 9999999 ऐसे करके 9 को 9 टाइम्स लिखना है, तो लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर मिल जाएगा। उसमें से हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितना ऐड करने के बाद ये आएगा आंसर। आपको इसमें भी माइनस करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। ये दो नंबर दिए, बोला अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें से कौन सा नंबर हम माइनस करें कि हमको ये आंसर मिले। तो पहले इन दोनों को ऐड करिए, उसके बाद इसमें से माइनस करिए और आपको आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है द ट्री पॉपुलेशन इन अ फॉरेस्ट वॉज 2,97,07,456 इन द ईयर 1995। एक फॉरेस्ट में जो ट्री की पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज थे, वो इतने थे इन द ईयर 1995। 20 ईयर्स लेटर, 20 साल के बाद क्या हुआ, द नंबर ऑफ ट्रीज वॉज 7 crores। नंबर ऑफ ट्रीज कितने रह गए, 7 crores रह गए, हो गए। तो व्हाट वॉज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज, तो कितने ट्रीज बढ़ गए, ये 2,97,07,456 थे, ये नंबर बढ़कर हो गया 7 crores। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर से ट्रीज एक्स्ट्रा हो गए। तो 7 crores में से ये 2 crores वाला नंबर हम माइनस कर देंगे और हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रीज में कितना इंक्रीज आया है।
अभी के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 अपनी फेयर कॉपी में करना है, बाकी के क्वेश्चंस आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी का जो आंसर्स होंगे आंसर की मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।